क्या कलयुग का अंत पास है? ऐसा बहुत जगह लोग कह रहे हैं, YouTube में भी ऐसे ऐसे कुछ डालते हैं, कलयुग का अंत आ गया, बस अंत आ गया। तो इसमें आपका ध्यान क्या कहता है? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में ससान दंडवत प्रणाम। कलयुग की जो आयु है वो शास्त्रों में बताया गया है 432,000 वर्ष तक है, तो अभी तो केवल 5,000 वर्ष हुए हैं, 5,000 हुए हैं। तो अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जब हम संकल्प करते हैं तो कली प्रथम चरण बोलते हैं, कर दी कली जब संकल्प करते हैं, जी कली प्रथम चरण। तो अभी तो यानी 427,000 वर्ष अभी बाकी है, तो कलयुग का अभी अंत भी पास नहीं है। कलयुग का अंत भी पास नहीं, तो ये बहुत लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, कलयुग का अंत होने वाला है, कल की भगवान आ रहे हैं, सारी दुनिया मिट जाएगी, सतयुग आ जाएगा। ऐसे कई जगह दीवारों पे हम लिखे देखते हैं सतयुग आएगा, ये सब इसका आधार क्या है, क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं जबकि शास्त्र में इसका कोई प्रमाण ही नहीं? आपने जैसे भी बताया कि 432,000 साल आयु है, अभी तो 427,000 साल कलयुग के पड़े हैं, अभी तो 5,122 आप बता रहे हैं पड़े हो चुके हैं, तो फिर इसका ये ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? ये सब जो बोल रहे हैं जो कलयुग का अंत आने वाला है, ये सब मनगढ़ंत बात है। जैसा कि कह रहे हैं, कितना लोग कह रहे हैं कि कल के अवतार हो भी चुका है, ये भी कह रहे हैं कल के अवतार हो भी चुका है, और एक साथ 10-10 कल के अवतार हो चुके हैं। हाँ, मैंने बहुत लोगों ने कहा, तो सबकी बात जी सच माने तो 10-15 कल के अवतार हो चुके हैं, 10-15 हो चुके हैं, और कहीं तो होके चले भी गए। जी जिनके बारे में कल के अवतार का ये कल के अवतार हो तो मर भी गए। तो सब झूठे अपवाह फैला रहे हैं, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है, जैसा कि कुछ लोग सच मान लेते हैं, पूछते हैं फिर फोन करके। जी नहीं, ये सब गलत बातें हैं, शास्त्रों में तो ऐसी बात है ही नहीं। अच्छा, फिर ये लोग कुछ विश्वास भी कर लेते हैं, और कहने वाले भी खूब कह रहे हैं कि इस कलयुग का अंत आ जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, कल के अवतार होगा, अब दुनिया खत्म होने वाली है, वर्ल्ड वार से हो चाहे किसी महामारी से हो चाहे परस्पर कैसे भी हो, तो इसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या देख करके कह रहे हैं? हाँ, जैसा कि शायद हो सकता है, ये पद है ना सूरदास जी का पद, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, संबद 2,000 के ऊपर ऐसा योग परे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिशा काल परे। तो उसी के अनुसार जैसा कि सब संत भी बता ही रहे हैं, अभी जो है कलयुग में सतयुग का आगमन होने वाला है, ये बात तो सही है, क्योंकि आप भी ऐसा बताते ही हैं, जब ये सतयुग जो उसका बड़ा भाई माने कलयुग रहेगा तो कलयुग ही। जी कलयुग में उसका भाई, क्योंकि जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग तो है। जी अवश्य, यदि कोई चाहे अफवाह भी क्यों ना कुछ तो उसमें है सच्चाई, पूरी नहीं अधूरी सही। आखिर लोग कह रहे कलयुग आएगा, सत्युग कलयुग चला जाएगा, सत्युग आ रहा है, तो कुछ तो इसका आधार होगा, कहीं से तो लिया है। बस यही इसका आधार हो सकता है। हाँ, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी तो यही जैसा कि सूरदास जी ने बताया और सभी संत भी ऐसा बता रहे हैं, तो कलयुग का जो बड़ा भाई है, लेकिन इस पद में जो रवि सूरदास जी ने कहा है, तो इसमें तो कहीं ऐसा नहीं है कि सत्युग आएगा, कलयुग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अब कल के अवतार, इस पद में तो ऐसा नहीं, इसमें तो ये कहा कि प्रजा बहुत मरे। जी इस पद में जो लिखा है वो तो ये कि काल, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2,000 के ऊपर ऐसो योग परे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहुं दिशा काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, और धर्म की बेल बढ़े, और काल व्याल से वही बचे जो हरि को ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला तारे नहीं टरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, है ना। तो इसमें तो कहीं कल की भगवान आएंगे सारी दुनिया तबाह हो जाएगी ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन उसमें इतना है कि कुछ होने वाला है। तो उसमें जो संकेत किया, सारी प्रजा मरेगी और धर्म की बेल बढ़े। हाँ, तो भाई जब प्रजा ही नहीं रहेगी, सारी मरगी तो धर्म की बेल कहाँ, पेड़ पौधों में बढ़ेगी। लेकिन काल व्याल से मनुष्य का होता है। जी तो उसमें उसी में संकेत किया, जैसा कि काल व्याल से वही मरे वही बचे जो हरि को ध्यान धरे। तो वही आप भी बताते ही हैं कथा में, जैसे अभी सारे संत जो है अभी टीवी के माध्यम से स्थान स्थान पर जा के प्रचार करें भक्ति का, और जो धर्म की बेल बढ़े तो बढ़ रही है। जी और इसमें जैसे कोरोना काल में, जैसे आप कई बार कहते हैं जो कोरोना, लोग कहते हैं भजन के लिए समय नहीं है, तो कोरोना में ठाकुर जी ने सबको घर में बंद कर दिया,
और देखे जो कौन भजन करता है, और जिसने भजन कर लिया उस पर टिक लगा दिया, ठीक ये तो मेरा है ये मेरा है। देखो कोरोना काल में सबको भगवान ने घर में बैठा दिया, कोई काम ना करे, दुकान ना धंधा, कोई कुछ ना करे, घर में बैठो चुपचाप, ये देखने के लिए कि कितने भजन करेंगे। जो कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं भजन करने का, हम बिजी ज़्यादा हैं, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो सच कह रहा है कि बहाना लगा रहा है, अब मैं तुमको 2-4 महीने के लिए भीतर बंद कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, दुकानें बंद, व्यापार बंद, नौकरी धंधा सब बंद, अब बैठिए। अब कोरोना काल में भगवान ने कई महीने एकांत में बैठा दिया, उसके बाद भगवान ने देखा दूरबीन लगाकर कि खाली समय है, सब खाली है, जो बहाने लगाते समय नहीं है, भजन कैसे करें समय नहीं, अब देखते हैं खाली समय में क्या करेंगे। उस खाली समय में जिन्होंने भजन किया तो सूर काल व्याल से वही बचे जो हरि को ध्यान धरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। इसलिए सबको भजन करना चाहिए। अब यहाँ सतयुग आएगा नहीं, रहेगा तो कलयुग ही, अपने कलयुग भाई से सतयुग बड़ा भाई मिलने के लिए आ रहा है, राज कलयुग का ही रहेगा, चलेगी कलयुग की ही इस समय भी, लेकिन कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है। जैसे घर में कोई व्यक्ति है और प्यालस भी खाता है, अंडा मांस भी खा लेता है, और फ्रिज में अंडे वगैरह रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ही उसका बड़ा भाई आया, वो बड़ा भाई जो अंडा मांस मीट की कौन कहे, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, परम सात्विक तिल कंठीधारी, ऐसा भाई घर में मेहमान के रूप में जब आएगा, उसको जब पता चलेगा मेरा भाई आ रहा है, तो अपनी पत्नी से कहेगा जल्दी से फ्रिज खाली करो, अंडों से ये प्याज लहसुन हटा दो यहाँ से, क्यों बड़ा भाई आ रहा है। तो राज तो छोटे भाई का रहेगा घर में, लेकिन फिर भी बड़े भाई के अनुकूल वो थोड़े समय के लिए वातावरण बना देता है। इसी प्रकार समय तो कलयुग का रहेगा, कोई सतयुग नहीं आने वाला है, रहेगा कलयुग ही। अब ये 427,000 साल अभी कलयुग की ओर पड़े हैं, अब 1,000 साल के लिए बड़ा भाई सतयुग मिलने के लिए अपने छोटे भाई से कलयुग से आ रहा है। बस माहौल सात्विक सा बन जाएगा, बस कलयुग अपना ऐसा कुछ माहौल बनाएगा, जो सत्वगुणी लोग होंगे वो तो टिक जाएंगे, जो तमोगुणी होंगे उनकी जय जय हो जाएगी, ऐसा कुछ इशारे मिल रहे हैं संतों से, ग्रंथों से, भविष्यवाणियों से, ऐसे इशारे मिल रहे हैं।